प्ले विथ गेमजी, डाउनलोड दी ऐप नाउ। इंडियन प्रीमियर लीग में कल रात को दिल्ली और चेन्नई के बीच में मैच खेला गया, जहां पर कि चेन्नई की टीम ने दिल्ली को 91 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया और ये बहुत बड़ी जीत है, मैसिव विन बाय चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन हार के साथ ही जो कप्तान है दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत ने बड़ा बयान दे दिया, बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि इस वजह से हम मैच हारे और वजह उन्होंने बताई है कोविड। उन्होंने कहा कि कई सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हो गए, हम बिल्कुल राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है नहीं मैच खेलने के लिए। और उन्होंने साथ ही साथ एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि स्टमक इन्फेक्शन से इस समय पीड़ित हैं, और एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा पृथ्वी शॉ इस समय हॉस्पिटलाइज है। तो ऋषभ पंत ने कहीं ना कहीं स्टमक इन्फेक्शन और कोविड का जो डर है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम लोग राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है नहीं, कि पता नहीं हम मैच खेलने लायक है नहीं है। हालांकि ऋषभ पंत ने यह भी बात कही है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी बात कही थी कि आने वाले 3 मैचेस में हमारी जो टीम है वो बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। लेकिन उसमें भी एक उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपने खिलाड़ियों से चाहता हूं कि वो आने वाले 3 मैचेस में राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हो। ये वर्ड उन्होंने यूज किया है, इसका मतलब साफ है कि जो टीम है शायद वो फोकस नहीं है मैच को लेकर। और रीजन उन्होंने साफ साफ कह दिया ऋषभ पंत ने कि कोविड जो बहुत सारे खबर आ रहे भाई उनके कैंप में, दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में, कि फलाने को कोविड हो गया, नेट बॉलर को कोविड हो गया, तो कभी किसी और को हो गया, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, और जो स्टमक इन्फेक्शन है जिसको लेकर की काफी ज्यादा परेशानी हुई दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। लेकिन चेन्नई के खिलाफ मिली हार दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो क्वालिफाई करने का सपना था उसे और ज्यादा टफ बना दिया। आपको क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या क्वालिफाई कर पाएगी? फटाफट कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।